आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल तैनात किए जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग है, लेकिन नामांकन के दौरान राज्य के कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली और इसी की वजह से बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को राज्य के हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। अब इसे चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का यह मामला है, आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह याचिका है। पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के चलते हाईकोर्ट का यह फैसला आया था कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो। फैसला यह था कि 15 जून तक हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी जाए। 8 जुलाई को बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अरविंद और जानकारी के साथ हमारे साथ है। अरविंद, इसमें क्या मांग की गई है और सुनवाई कितने बजे? देखिए, कुछ ही देर बाद विशाली मामला सुनवाई पर आने की उम्मीद है और राज्य निर्वाचन आयोग और ममता सरकार दोनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दो आदेश हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के। 13 जून का है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि वो केंद्रीय बलों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के पास अपनी मांग भेजे, और 15 जून को जो हाईकोर्ट का आदेश था उसमें हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस आदेश के पालन में जो लापरवाही हो रही थी उस पर नाराजगी जाहिर की थी और 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया था। तो दोनों 13 और 15 जून के जो आदेश हैं उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया है। राज्य निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि उसका उत्तरदायित्व इतना भर है कि हरेक बूथ के लिहाज से वो खतरे का आकलन करे। केंद्र सरकार के पास केंद्रीय बलों की मांग भेजना उसका काम नहीं है, और उनका यह भी कहना है कि 13 जून का जो हाईकोर्ट का आदेश था उसके खिलाफ वो रिव्यू फाइल करने वाले थे, लेकिन बजाय उसके कि हाईकोर्ट उसको कंसीडर करता, हाईकोर्ट ने 15 जून को एक दूसरी याचिका पर 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दे दिया। तो इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि एक तरफा आदेश है। वहीं दूसरी ओर ममता सरकार ने भी अर्जी दायर की है। ममता सरकार का यह कहना है कि जिस शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के नेता है, जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वो एक राजनीति से प्रेरित याचिका है, और उनका यह भी कहना है कि इस मामले में जो शुभेंदु अधिकारी ने मांग की थी कि निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उससे आगे बढ़कर केंद्रीय बलों की जो नियुक्ति का आदेश दिया है वो गलत है, मनमाना है। शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए। Zee News।